हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मल्टी बैगर स्टॉक सीरीज में एक और बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी मार्केट लीडर है, आप ध्यान रखिए, ये कंपनी मार्केट लीडर है। ना सिर्फ इंडिया में मार्केट लीडर है, बल्कि वर्ल्ड में जो ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ये मार्केट लीडिंग पोजीशन पर है। तो आपको ये समझना होगा कि ये कंपनी काफी डोमिनेंट प्लेयर है अपने सेगमेंट में, एक इंडस्ट्री लीडर भी है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, ये साउंड कंपनी है। इसके बारे में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसने भी शेयर होल्डर्स की काफी अच्छी वेल्थ क्रिएशन की है, बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर इसकी पेरेंट कंपनी भी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा इस कंपनी के बारे में डिस्कस करना। हम इसके बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे, पहला सेक्शन जो होता है हमारा, जिसमें हम काफी डिटेल में इनके बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जो सेकेंड सेक्शन होता है हमारा, वो उसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स देखते हैं हम, और हम एक कंपनी को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और थर्ड जो हमारा सेक्शन होता है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का होता है, जिसमें हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाते हैं और इसके चार्ट्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होने वाला है। मेरी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इस कंपनी से रिलेटेड दे पाऊं, जिससे कि जब आप अपना एनालिसिस करेंगे तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो ऑलरेडी ही आपके पास, आपके आपके नॉलेज में होगी, तो आपकी मेहनत काफी कम हो जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एंड तक इस वीडियो को देखिए, कंप्लीटली इसको समझने की कोशिश करिए कंपनी को, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो क्लैरिटी से आपको मिल पाए। तो सर, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी हम नए वीडियोस पोस्ट करते हैं इस चैनल में उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने इस कंपनी की वेबसाइट खोलकर रखी हुई है। तो हम बात कर रहे हैं आरती ड्रग्स लिमिटेड की। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये काफी स्ट्रॉन्ग पेरेंट की एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो ये जो जो पेरेंट है इसका, वो आरती इंडस्ट्रीज है। आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आरती इंडस्ट्रीज ने कितनी वेल्थ क्रिएट की है पिछले 5-6 साल से। बहुत डोमिनेंट पोजीशन है, मतलब आप कहना चाहिए कि अगर आप स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करते हैं तो नंबर वन कंपनी है उसमें, बिल्कुल नंबर वन, अनडिस्प्यूटेड नंबर वन कंपनी है वो। तो बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, उसकी ही एक सब्सिडरी कंपनी है, क्योंकि उन्होंने अपने फार्मास्यूटिकल डिवीजन को डीमर्ज करके आरती ड्रग्स में ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो कंपनी है आरती ड्रग्स लिमिटेड, ये आरती इंडस्ट्रीज की ही सब्सिडरी कंपनी है, और ये बेसिकली जो है ये फार्मास्यूटिकल डिवीजन को इन्होंने एक तरह से डीमर्ज कर दिया। चलिए सर, तो आप देख सकते हैं कि ब्रॉडली इस कंपनी के 4 डिविजन्स हैं। पहला डिवीजन जो है वो एपीआई का है, सेकंड डिवीजन जो है वो फार्मा इंटरमीडिएट का है, थर्ड डिवीजन जो है स्पेशलिटी केमिकल्स का है, और फोर्थ डिवीजन जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है। तो आपको पता है कि एपीआई क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। हमने काफी सारी कंपनीज को कवर किया है, उसमें भी हमने बात की थी कि एपीआई क्या होता है, फार्मा इंटरमीडिएट्स क्या होता है, ये भी हमने ब्रीफली डिस्कस किया है काफी बार। स्पेशलिटी केमिकल्स आप लोगों को तो पता ही है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो क्रैम्स बिजनेस होता है, ये भी काफी सनराइजिंग सेक्टर है, बहुत ही ये भी बहुत ही अच्छा फ्यूचर है इसका। तो हम आ जाते हैं पहले, जो क्योंकि हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा एपीआई और फार्मा इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, बट हमारे बहुत सारे नए व्यूअर्स भी हैं, उनको मैं जस्ट ब्रीफली बता देता हूँ कि कोई भी ड्रग को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल्स आते हैं, रॉ मटेरियल्स को ही प्रोसेस किया जाता है, केमिकली प्रोसेस किया जाता है, वो जो रॉ मटेरियल है वो कन्वर्ट होता है फार्मा इंटरमीडिएट्स में। तो फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स भी बोलते हैं इसको, तो ये वो भी बनाते हैं। तो ये देखिए, ये सारे वैल्यू चेन में है, मतलब सारे प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। तो फार्मा इंटरमीडिएट्स जो है, तो आपने रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, तो वो फार्मा इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो फार्मा इंटरमीडिएट्स बन जाता है हमारा, तो फर्दर हम इसमें फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, फर्दर इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद जो है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई बनाया जाता है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ही वो कंपोनेंट है ड्रग का, जो कि एक्टिव पार्ट होता है, जो कि
क्योर करने डिसीज को क्योर करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब आपकी कोई भी जो भी डिसीज होती है उसको क्योर करने के लिए जो एलिमेंट होता है किसी भी मेडिसिन में वो ही एपीआई होता है। तो एपीआई ही एक्टिव पार्ट होता है मेडिसिन में, बाकी सब जो है वो इनएक्टिव पार्ट होते हैं। तो एक्टिव पार्ट जो है वो सिर्फ एपीआई होता है और यही क्योर करता है सारी डिसीज को। तो ये एपीआई आपने देखा कि इंटरमीडिएट्स को प्रोसेस करने के बाद एपीआई बनता है, और एपीआई के बाद अगर आप उसको इसको किस क्योंकि एपीआई को आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो आप इसमें अलग अलग तरीके से या तो ओरल सॉलिड्स में लेते हैं आप, या आप लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आप इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में ले सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स में लेते हैं, उस प्रोसेस को फॉर्मुलेशन बोलते हैं, जो कि एपीआई में कुछ और कंपोनेंट्स मिलाए जाते हैं और फाइनली वो कंज्यूमेबल ड्रग बन जाता है, फाइनल ड्रग बन जाता है। तो वो ये नहीं करते हैं, फॉर्मुलेशन भी ये करते हैं, बट उनको ये उनका मेजर बिजनेस नहीं है। मेजर बिजनेस जो है, जो चंक मेजर जो रेवेन्यू का चंक आता है वो एपीआई से आता है उनका। कुछ पार्ट इंटरमीडिएट से आता है और रिमेनिंग पार्ट जो है फार्मास्यूटिकल और पेम्स बिजनेस से आता है। तो ये सर ब्रॉडली इनकी बिजनेस प्रोफाइल है, इतने सारे इनके पास डिविजन्स हैं और इसी में ही ये कंपनी ऑपरेट करती है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को डिफाइन किया है। तो मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छी जगह है जहां पर हम इनके बिजनेस को और बाकी सारी डिटेल्स को समझ सकते हैं। तो सर आप देख सकते हैं ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। तो ये देखिए, ये बता रहे हैं आरती ड्रग्स लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1984। 1984 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, तो ऑलमोस्ट 36 ईयर्स हो चुके हैं इसको ऑपरेट करते हुए। तो काफी अच्छा लंबा इतिहास है, मतलब ऑलमोस्ट चार चार डिकेड से काम कर रहे हैं। और ये आरती ग्रुप की इंडस्ट्रीज की कंपनी है, देखिए ये पार्ट है जो 1,000 मिलियन डॉलर की जो कंपनी बन चुकी है आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उसी का ही एक पार्ट है। और इसका जो R&D डिवीजन है तारापुर में है, महाराष्ट्र में। और ये देखिए, इज क्लोज विजिबिलिटी टू द मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। तो R&D डिवीजन भी जो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है इनकी महाराष्ट्र में, उससे काफी पास में है। फिर द कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो मैंने आपको बताया एपीआई बनाने का काम करते हैं, फार्मा इंटरमीडिएट्स बनाते हैं जो कि हमने बात की, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं, और विथ होली ओन सब्सिडरी इनकी पिनाइकल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड है जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है। और ये इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये प्रोडक्ट्स अंडर एपीआई इंक्लूड सिप्रोफ्लेक्सेसिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये जो है ये बेसिकली एंटीबायोटिक ड्रग है, सिप्रोफ्लोक्सेसिन जो है हाइड्रोक्लोराइड, ये एंटीबायोटिक ड्रग है। मेनली इसका यूज जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए होता है। इसमें बोन्स, ज्वाइंट्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में जो इन्फेक्शन होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट्स में जो इन्फेक्शन होते हैं, उसको सभी को क्योर करने के लिए ये सिप्रोफ्लोक्सेसिन हाइड्रोक्लोराइड ये यूज होता है नॉर्मली। और फिर देखिए जो नेक्स्ट उनका प्रोडक्ट है वो मेट्रोनी डेजोल, ये भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है। ये भी वाइडली यूज होता है इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में, माउथ इन्फेक्शन में, तो ये सबका इन सबका इसमें यूज होता है। फिर मेटमोर्फिन HCL जो है, ये भी जो है डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो सिप्रोफ्लोक्सेसिन है या मेट्रोनाइडोजोल जो है या मेटमोर्फिन जो है, ये सारे क्रिटिकल इलनेसेस के लिए ही यूज हो रहा है। ओके सर, उसके बाद देखिए आप जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है कीटोकेनोजोल। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कीटोकेनोजोल। तो कीटोकेनोजोल जो है वो भी एंटी फंगल मेडिसिन के लिए यूज होता है, इन्फेक्शन के लिए होता है, जैसे कि डेंड्रफ एंड्रफ। तो ये मेनली जो है आपको स्किन रिलेटेड काफी सारे इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए एंटी फंगल है ये प्रोडक्ट है। तो ये भी काफी वाइडली यूज होता है। उसके बाद देखिए सर ये ऑफ्लोक्सेसिन करके है, ये आपको न्यूमोनिया हो जाता है या फिर इन्फेक्शन ऑफ स्किन, ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन सभी में ये यूज होता है फ्लोक्सेसिन। तो ये इतने सारे ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, और ये सप्लाई भी करते हैं इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी ये सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सर इसमें, देखिए ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नीमोसोलाइड इन द वर्ल्ड। तो आप देखिए वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो जैसे कि मैं लीडर बोल रहा था आपको कि नीमोसोलाइड में ये वर्ल्ड में लीडर है, सिर्फ इंडिया में नहीं। तो नीमोसोलाइड आपको पता ही है कि एक तरह से ये जो है NSAID, जो नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, जो कि नॉर्मली पेन या आपको कुछ फीवर है नॉर्मल तो वो उसमें यूज होता है, तो वो ही नीमोसोलाइड है। तो ये काफी जगह इंडिया में भी यूज होता है, फॉरेन में भी यूज होता है, ये बहुत वाइडली यूज ड्रग है। उसके बाद देखिए वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ
मेटमॉर्फिन इन द वर्ल्ड। तो ये मेटमॉर्फिन क्या है जी? तो वही मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसको क्योर करने के लिए ये यूज होती है। उसके बाद देखिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्लोरोक्विनोलोनेस इन द वर्ल्ड। तो ये जो है सर, ये जो है ये एंटीबायोटिक आर कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ इलनेस सच एज रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये इसके लिए, इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए यूज होता है। फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिनिडाजोल इन द वर्ल्ड। तो ये देखिए, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं ये टिनिडाजोल। तो ये देखिए, ये किस लिए यूज होता है? तो ये एंटीबायोटिक है विच इज यूज टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन। तो उसको ट्रीट करने के लिए ये यूज होता है। ये भी वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसके। फिर आप देखिए, नेक्स्ट जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेट्रोनिडाजोल बेंजोनेट। तो ये जो है मेट्रोनिडाजोल बेंजोनेट है, ये भी वाइडली यूज होता है इन्फेक्शन को करने के लिए। बैक्टीरिया और पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन होते हैं तो उन सभी को कंट्रोल करता है ये। उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेट्रोनिडाजोल इन इंडिया। तो ये बेंजोनेट नहीं है, ये सिर्फ मेट्रोनिडाजोल है। तो ये भी हमने देखा, पहले भी हम देख चुके हैं इसको, कि ये जो है कोई स्किन इन्फेक्शन के और माउथ इन्फेक्शन के में ही यूज होता है ये। फिर हमने लास्ट में, पहले भी हमने पढ़ चुके हैं कि कीटोकैनाजोल जो हमने ऊपर पढ़ा था, इसके भी ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो आप देखिए कितने सारे जो ड्रग्स हैं उसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में भी हैं और इंडिया में भी हैं। तो ये इनकी कैपेसिटी है, आप देखिए। तो ये भी जैसे हमने बात की था कि एंटी फंगल ये ड्रग होता है। तो ये इनके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये लीडर है। यहाँ पर आ जाते हैं इनकी जो 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं, 100 से ज्यादा कंट्री में ये प्रेजेंट है, 1500 करीब एम्प्लॉई है इनके पास, 50 एपीआई मॉलिक्यूल्स हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जो कि फॉर्मुलेशन बिजनेस बोलते हैं उसको, ये इसमें भी ये प्रेजेंट है। ठीक है सर, तो अभी हम आ जाते हैं इनके माइलस्टोन पर। तो माइलस्टोन आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय हो, मैं बहुत ब्रीफली बता देता हूँ कि 1984 से स्टार्ट किए, बीएससी में लिस्ट हुए, बहुत सारी इनकी कंपनीज थी उनको इन्होंने मर्ज किया, उसके बाद इनका रेवेन्यू 100 करोड़ में पहुंच गया, फिर एनएससी पे लिस्ट हुए, फिर 2008 में यूएस एफडीए से इनको अप्रूवल मिला, उसके बाद 2011 में आप देखिए 500 करोड़ का टर्नओवर हो गया, फिर 2014 में देखिए 1000 करोड़ का टर्नओवर हो गया, और आरती ड्रग्स जो है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 100 करोड़ पे पहुंचते हुए आपको दिखी 2015 में। अब जो है रुपीज 100 करोड़ टर्नओवर पिनेकल लाइफ, सिर्फ जो इनकी एक और कंपनी थी पिनेकल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, उसी का ही टर्नओवर 100 करोड़ हो गया, और यहाँ पर अभी 2019 में 1500 करोड़ तक टर्नओवर इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये इतने फास्ट ग्रो करी है ये कंपनी। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कंपनीज करती हैं, सोशल सर्विसेज करती हैं, उसके बारे में मेंशन कर रहे हैं। हम आ जाते हैं मेन इस पे। ये देखिए, ये बिजनेस ओवरव्यू जो है, एक ये वाला जो पार्ट है वो डोमेस्टिक का है और ये जो पार्ट है वो फॉरेन का है। तो आप देखिए डोमेस्टिक मार्केट शेयर में भी कम से कम ये 10 प्रोडक्ट्स में लीडर है। उसके बाद लोकल क्लाइंट जो है इनके वो काफी डाइवर्सिफाइड है। जो टॉप मोस्ट क्लाइंट है, मतलब जो जिसको सबसे ज्यादा ये अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो 3.45% ही है। मतलब आप ये समझ सकते हैं, इससे ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनके जो कस्टमर बेस है वो कितना डाइवर्सिफाइड है। मतलब ये है कि इनके बिजनेस में रिस्क बहुत कम है, कि ऐसा नहीं कि एक ही कस्टमर को बहुत सारा मटेरियल ये सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा क्लाइंट है वो सिर्फ 3.45% का ही है। तो बहुत डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है इनका, जो कि काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बिजनेस को। फिर वहीं पर आप देखिए टोटल 10 लोकल क्लाइंट हैं, कॉन्ट्रीब्यूट जो टॉप जो 10 क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ 24% ही टोटल सेल्स की है। तो आप देखा जो टॉप मोस्ट 10 क्लाइंट को भी अगर आप ऐड कर लेंगे तो अब तब भी वो 24% ही बनता है इंडिया की सेल्स का। फिर आप एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं हम, तो जो एक्सपोर्ट में भी वही वही कहानी है कि जो टॉप मोस्ट क्लाइंट है वो सिर्फ 3.45% ही है। तो यहाँ पर भी एक्सपोर्ट में हो या इंडिया में हो, काफी डाइवर्सिफाइड कस्टमर है इनके। फिर टॉप 10 जो क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ 20% को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज है। और 10 जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं वो 76.42% को सेल्स का है। तो ये देखिए कितने डोमिनेंट प्रोडक्ट्स हैं इनके,
जो कि मार्केट लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं जो जो बता रहे थे। उसके बाद देखिए रेवेन्यू स्प्लिट देखिए आप यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर जो 79% ऑलमोस्ट जो है वो एपीआई से आता है, तो इनका जैसे मैंने बात की कि एपीआई ही इनका मेजर पार्ट है ये रेवेन्यू का, तो सबसे ज्यादा फोकस इनका एपीआई में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में। फॉर्मुलेशन का बिजनेस भी करते हैं, जैसे कि हमने बताया था आपको कि एपीआई को फर्दर आप किस तरीके से कंज्यूम करना चाहते हैं, जो फाइनल ड्रग में कन्वर्ट करते हैं उसको फॉर्मुलेशन बिजनेस बोलते हैं। तो वो फॉर्मुलेशन जो है वो 13% आता है इनके पास। स्पेशलिटी केमिकल्स बहुत छोटा डिवीजन है, वो उससे 4% आता है। इंटरमीडिएट्स बनाते हैं वो, जो एपीआई इंटरमीडिएट से फिर एपीआई बनता है, पहले इंटरमीडिएट बनता है, तो वो जो है वो सिर्फ 1% का आता है उससे, और बाकी जो अदर जो प्रोसेस है उससे 3% आता है। तो आपने देखा कि जो मेजर चंक रेवेन्यू का वो एपीआई से आता है, थोड़ा बहुत फॉर्मुलेशन से आता है। जनरली जो भी कंपनीज होती हैं एपीआई बनाने वाली, वो धीरे धीरे एपीआई से फॉर्मुलेशन की तरफ भी शिफ्ट होते हुए दिखती हैं जनरली। पर अब ये देखिए अब इनकी कैपेसिटी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो हमेशा बढ़ती गई है। 2017-18 में कुछ थी, 18-19 में बढ़ गई, और फिर 19-20 में और भी ज्यादा बढ़ गई। तो इन्होंने अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाया है, फिर ये प्रोडक्शन उन्होंने किया, और जो खुद ही यूज कर लेते हैं वो 7000 या 4000 देखिए खुद यूज कर लेते हैं, तो नेट जो एक्सपोर्ट करते हैं वो ये है। तो ये आपको प्रोडक्शन बता दिया उन्होंने। फिर फैसिलिटीज देख लीजिए, तो गुजरात में, उसके बाद यहाँ पर है गुजरात में है, और महाराष्ट्र में है इनका मेजर, और यहाँ पर हरियाणा में दिख रहा है मुझे। तो इतनी जगह पर इनकी फैसिलिटीज है जहां से ये इनके प्लांट है। और आप देखिए यहाँ पर करीब 9 प्लांट इनके महाराष्ट्र में है, और हेलो गुजरात में इनकी 2 फैसिलिटीज हैं, और ये सारे WHO जो है उससे सर्टिफिकेशन है। और जो एक हरियाणा में है उनका, सॉरी हिमाचल प्रदेश में जो है वो पिनाकल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड जो है जिससे ये फॉर्मुलेशन का बिजनेस करते हैं, वो भी ये प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर ये बता रहे हैं कहाँ कहाँ पर ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपके पास समय हो तो आप पढ़ लीजिए, ये सारी जगह पर एक्सपोर्ट करते हैं, काफी डिटेल में उन्होंने बताया है। क्लाइंट्स बताए हैं यहाँ पे, सारे जितने भी मार्केट क्लाइंट्स हैं सारे के सारे इसमें हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे इनके मार्केट क्लाइंट्स हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है इनका। उसके बाद देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, क्रैम सर्विस जो होती है, जिसमें कि बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो छोटे प्लेयर्स को, या बड़े प्लेयर्स जो है वो अपने जो ड्रग्स को स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो प्रोसेस होती है फॉर्म करने की, बनाने की, उसको आउटसोर्स कर देते हैं दूसरे को, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। तो ये जैसे आरती ड्रग्स, तो ये किसी बड़े प्लेयर के लिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिसर्च से लेके, रिसर्च डेवलपमेंट से लेके, या फाइनल जो ड्रग बनाने की जो प्रोसेस होती है वो पूरी जो प्रोसेस होती है उसको क्रैम्स बिजनेस बोलते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है किसी भी ड्रग की डिस्कवरी से लेके इसको डेवलपमेंट तक की, और फिर मार्केटिंग का भी काम करते हैं। तो ये जो बिजनेस है ये भी काफी बड़ा बिजनेस बन रहा है इंडिया में, बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है, तो इसमें काफी पोटेंशियल है। ये जो आरती ड्रग्स है ये इसमें भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मुलेशन का बिजनेस, जैसे हमने आपको बताया कि एपीआई के बाद अगर आप उसको फाइनल ड्रग में कन्वर्ट करते हैं तो वो वैल्यू एडिशन का होता है, प्रोसेस होती है, उसमें ज्यादा मार्जिन होते हैं फॉर्मुलेशन बिजनेस में, तो ये उसमें भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये करेंगे। और ये बता भी रहे हैं कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फॉर्मुलेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो और फिर देखिए बायोसिमिलर्स आपने देखा होगा, जैसे बायोकॉन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है बायोसिमिलर्स में, तो जो गवर्नमेंट का प्लान है वो भी है कि लोकल प्लेयर्स को बायोसिमिलर में डेवलप किया जाए। और ये देखिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो एपीआई का बिजनेस है वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है, और इनका भी इसी में ही, और ये बता भी रहे हैं कि कितने फास्ट ग्रो कर रही है ये इंडस्ट्री। तो डोमेस्टिक एपीआई कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच अराउंड $18 बिलियन बाय FY22, तो इतना पहुंचने वाली है। और अभी जो है जो हम कर इंडिया जो इम्पोर्ट कर रहा है वो 60% एपीआई कर रहा है अदर कंट्री से, तो ये बहुत, मतलब आप सोचिए कि इतनी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया में, उसके बाद भी 60% एपीआई इंडिया दूसरी कंट्रीज से ले रहा है, खरीद रहा है। तो आप ये सोचिए कि अगर उसमें ये कमी आ जाए और हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं वो ज्यादा एपीआई बनाना चालू करते, तो ये वही सबसे बहुत बड़ा मार्केट हो जाएगा। एक्सपोर्ट करना तो आप छोड़ दीजिए, तो बहुत स्कोप है ग्रोथ की, बहुत स्कोप है, बहुत आगे जाने का काफी स्कोप है। तो अब आप देखिए यहाँ पर
ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज अ होल जो है 2017 में 33 बिलियन की थी, जो कि आज 2020 में 55 बिलियन 55 बिलियन डॉलर्स की हो गई है। और ये बहुत सारी चीजें बता रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मार्केट इन एशिया। देखिए और ये जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कहाँ है इंडिया से, तो आप देखिए अमेरिका ही सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, उसके बाद अफ्रीका आता है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन आता है, फिर आसियान आता है। तो इस तरीके से ये एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया की सारी फार्मास्यूटिकल, सिर्फ आरती की बात नहीं कर रहे हैं वो, सभी। तो इंडस्ट्री एज अ होल सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल बायोटेक एंड फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स, ये इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। फिर ये देखिए तो ये बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है और इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना फ्यूचर ब्राइट है इस इंडस्ट्री का, कितने सारे टेलविंड्स हैं, कि कितने आगे जा सकती है ये इंडस्ट्री, उसके बारे में यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ग्रोथ ड्राइवर्स की है। तो कौन कौन से चीजें हैं जिससे ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इंडियाज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 33% लोअर देन दैट ऑफ यूएस। तो इंडिया जो प्रोड्यूस करता है ये कोई भी ड्रग्स को, वो 33% सस्ता होता है यूएस में जो प्रोड्यूस होती है। फिर इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आरएनडी और एक्विजिशन में बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो आ गया है। उसके बाद इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ फार्मेसीज रूरल इंडिया में भी ओवर द काउंटर ड्रग्स, ये सारी चीजों से भी काफी एक टेलविंड है जिससे कि काफी अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, इसमें ग्रोथ ड्राइवर्स हैं सारे। उसके बाद फंड एलोकेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फिर 100% एफडीआई भी आ गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद देखिए फार्मा विजन जो है गवर्नमेंट का, उससे भी एक ग्रोथ मिलेगी। फिर गवर्नमेंट ने जो है 360 मिलियन डॉलर जो है वो कवरेज प्रोवाइड किए वनरेबल जो हाउस होल्ड होते हैं उनके लिए। उसके बाद देखिए ओवर 350 मिलियन जो पीपल हैं उनको वो हेल्थ इंश्योरेंस से कवर किया 2020 में। पेशेंट पूल एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 20%, तो ये पेशेंट्स के नंबर में इंक्रीज होने की ये एक्सपेक्टेशन है, उससे भी एक ग्रोथ ड्राइवर है ये। उसके बाद 160,000 जो हाउस हॉस्पिटल बेड्स हैं वो बढ़ने वाले हैं हर साल, और इन द नेक्स्ट डिकेड, तो अगले दस साल में ये इतने सारे हॉस्पिटल बेड्स बढ़ने वाले। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करेंगे कि फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो काफी स्पीड से ग्रो करेगी। फिर नेक्स्ट स्लाइड जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन बता रहे हैं। तो इसमें देखिए कि ये बता रहे हैं कि नॉन ब्रांड है एपीआई बिजनेस में आरती ड्रग्स, उसके बाद स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनकी, आरएनडी की फैसिलिटीज है इनके पास। फिर कैपेक्स जो है वो फेज वाइज कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, जिससे कि जो कर्ज है वो बहुत ज्यादा ना पड़े। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे कर रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर होता है ये इस बिजनेस में, तो ये चीजें बता रहे हैं। उसके बाद इनके जो 10 प्रोडक्ट्स हैं वो 76% जो है रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे कर पाते हैं, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो ये लार्ज नंबर में मैन्युफैक्चर करते हैं, परचेसिंग पावर इनकी अच्छी है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, सुपीरियर क्वालिटी बनाते हैं, 30 साल से इनका एक्सपीरियंस है, क्लाइंट्स बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन है क्लाइंट्स में। तो ये देखिए एक रीजन में नहीं करते, बहुत सारे रीजन में सप्लाई करते हैं, इंटरनेशनल प्रेजेंस है इनकी। तो ये सारी चीजें हैं इस कंपनी से रिलेटेड। फिर आउटलुक जो है वो डायबिटिक, ये देखिए तो इनके बारे में बहुत सारी चीजें दी है, अगर मैं पढ़ूंगा तो आपका काफी समय चला जाएगा, आपके पास समय हो तो आप जरूर पढ़िएगा इनको। फिर आरएनडी एंड प्रोडक्ट पाइपलाइन, तो देखिए यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत फोकस है, क्योंकि आईटी कंपनी हो गई या फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई, इन सब में अगर आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे बहुत स्पीड से। तो ये बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी कंपनी का। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो तारापुर और सारीगम में है, एंड सपोर्टेड बाय आरएनडी सेक्शन लोकेटेड एट तारापुर, वेयर फोकस इज मेनली ऑन एपीआई प्रोसेस डेवलपमेंट। तो देखिए तारापुर में आरएनडी डिवीजन भी है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है, और इनका जो एपीआई पे ही फोकस है आरएनडी वालों का। फिर आरएनडी सेंटर लोकेटेड एट तुरुभुई मुंबई इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ओरल सॉलिड्स के लिए, ये कॉम्प्लेक्स जो है मुंबई में इनकी फैसिलिटी है आरएनडी डिवीजन। और ये देखिए इनके पास जो डॉक्टरेट्स हैं वो 2 हैं, उसके बाद 86 जो है वो मास्टर ग्रेजुएट्स हैं, 54 ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, और आरएनडी का बजट है वो 20 से 25 करोड़ रुपए है, टेक्नीशियंस जो है वो 10 हैं। तो देखिए काफी स्ट्रॉन्ग टीम है इनके पास जो कि इस काम में लगी हुई है। फिर एपीआई की जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है जो कि आने वाले समय में होने वाली है वो ये सारी है, आप पढ़ सकते हैं इसको। फिनिश डोसेज जो है फॉर्मुलेशन बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, वो इनकी ये सारी है जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब आने वाले हैं। उसके बाद देखिए
फिनिश प्रोडक्ट डोसेजेस, तो ये सारी चीजें इन्होंने काफी डिटेल में देख रखी है। अब आप देखिए पैरामीटर्स पर आ गए हैं, तो इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे जो कि हमारा सेकंड सेक्शन है। तो ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो ओनरशिप है वो ऑलमोस्ट 60% जो है वो खुद के उन्हीं के पास है, पब्लिक के पास 35% है। तो इंस्टीट्यूशनल जो ओनरशिप है ऑलमोस्ट 60% है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में 60% ये कंपनी है। तो ब्रॉडली सर आपने देख लिया, सारे प्रोडक्ट्स को देख लिया, इनकी प्रेजेंस देख ली, मार्केट लीडरशिप देख ली, तो ये काफी अच्छी कंपनी है। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, R&D फोकस्ड कंपनी है और अच्छी पैरेंटेज है इनकी, तो बढ़िया है बिजनेस में। तो कोई अनडाउटेबली कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का। तो देखिए आप ये आरती ड्रग्स पर आ गए हम, तो ये देखिए जो मार्केट कैपिटल है वो 6383 करोड़ का है, तो आप इसको एक स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी बोल सकते हैं। फिर देखिए मिड कैप कंपनी ही बोल सकते हैं आप, स्मॉल कैप तो नहीं बोल सकते आप इसको। फिर यहाँ पर देखिए जो पीई है वो रीजनेबल पीई 22.7, डिविडेंड यील्ड 0.37 है जो कि रीजनेबली ओके है। आरओसीज बहुत अच्छे है, आरओसीज 20.9 और 23.1, तो आरओई आरओसीज बहुत अच्छे कमांड कर रही है कंपनी। डेट टू इक्विटी देखिए आप, कैपेक्स बहुत सारी कर रही है, मतलब अपनी कैपेसिटी को एनहांसमेंट कर रही है, बट डेट जो है वो बहुत ज्यादा लेके नहीं कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बैलेंस शीट को मेंटेन किए हुए हैं। फिर इक्विटी कैपिटल आप देखिए 93.2 जो कि रीजनेबली ओके है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए बहुत ही अच्छे मेंटेन कर पा रहे हैं 20.3 के। तो ये सारे पैरामीटर्स मुझे कहीं पे भी कोई भी तकलीफ नहीं है, बहुत ही अच्छे पैरामीटर्स हैं इनके अभी तक। अब चलिए देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आते हैं। तो दिसंबर के क्वार्टर में पिछले साल का जो दिसंबर क्वार्टर था वो 474 करोड़ की सेल्स थी जो कि बढ़कर 530 करोड़ हो गई, और नेट प्रॉफिट 28 करोड़ से बढ़कर 68 करोड़ हो गया। तो मैनी फोल्ड मतलब ऑलमोस्ट ट्वाइस जो है नेट प्रॉफिट हो गया, और टॉप लाइन में भी आपको अच्छी जंप देखने मिली, 14% मार्जिन जो है वो बढ़कर 20% हो चुके हैं। वहीं पर आप सितंबर क्वार्टर में भी देख सकते हैं, तो 478 करोड़ से 578 करोड़ हो गई, और जो मार्जिन है वो 14% से 20% पे पहुंच गए, और आप देखिए जो नेट प्रॉफिट था 32 करोड़ का वो डबल होके 675 करोड़ पे पहुंच गया। तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है ये कंपनी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अब इसका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस लॉस स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं। तो देखिए 2006 से डेटा अवेलेबल है, तो 254 करोड़ से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो आज 1800 करोड़ पर पहुंचती हुई दिख रही है, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ पे। और नेट प्रॉफिट देखिए तो 13 करोड़ से बढ़कर आज 200 करोड़ पे पहुंचता है, 300 करोड़ पर पहुंचते हुए आपको दिख रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है अर्निंग्स में इसकी। फिर मार्जिन देखिए 15% से बढ़कर आज 20% पर पहुंचते हुए आपको दिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत तेज मोमेंटम में ये कंपनी काम कर रही है। उसके बाद शेयर कैपिटल आप देखिए, तो शेयर कैपिटल भी बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि उन्होंने बोनस शेयर इशू किए ही होंगे, डेफिनेटली दिख ही रहा है आपको कि 12 से 24 हुए हैं, तो मतलब इन्होंने 1:1 बोनस डिक्लेयर किया होगा। फिर देखिए यहाँ पे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। बोरोइंग्स देखिए तो इन्होंने कुछ घटाई है, यहाँ से 2018 से इन्होंने अपनी बोरोइंग्स को हटाना चालू कर दिया है ग्रेजुअली, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है, अपने डेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। कैश फ्लोज देखिए आप, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज ये जनरेट कर रही है कंपनी, बहुत ही शानदार कैश फ्लोज जनरेट कर रही है, कभी भी नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट नहीं किया। आरओसीज देखिए बहुत इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, जो कि 11% थे आज के डेट में 21% तक जाते हुए दिख रहे हैं आपको। डेटर डेज देखिए तो ऑलमोस्ट वहीं पर ही है, 99 डेज पर है, मैं इसको कम होते हुए देखना चाहता हूँ, अराउंड 80 डेज पर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखिए, तो प्रमोटर्स के पास 62% से 60% पे आ गए हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी स्टेक को रिड्यूस किया है। FIIs देखिए तो 0.8% पे थे, अभी 3% पे आ गए हैं, और DIIs देखिए तो 4% से घटकर 1% आ गए। तो ब्रॉडली बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है, ये 32% से 35% आ गए पब्लिक, तो बहुत ज्यादा कुछ मेजर सिग्निफिकेंट चेंजेस तो नहीं हुए, तो ये ठीक है सर। तो मुझे तो अभी तक सर इसमें फंडामेंटल्स में तो मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, अर्निंग्स की जो प्रोफाइल है ट्रेजेक्टरी है बहुत स्ट्रांग है, और आप देखिए जो P2E रीजनेबल है, ROCs ROE बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा है, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, तो ओवरऑल जो है इसका परफॉर्मेंस फंडामेंटल एनालिसिस पे आप उसको 9 नंबर दे सकते हैं 10 में से, तो बहुत ही अच्छा है, मेरे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। चलिए हमारा नेक्स्ट जो थर्ड सेक्शन फाइनल सेक्शन जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसका मंथली चार्ट खोल के रखा हुआ है, सारे मूविंग एवरेजेस
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, 200 दिन, 100 दिन, 50, 20 और 10 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। साथ में एक RSI इंडिकेटर भी यहाँ पे हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये आरती ड्रग्स का चार्ट है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ सर। तो देखिए आप यहाँ पर, ये आपने देखा यहाँ पर तो आपको प्राइस ही नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ तक आप देखिए 2014 तक ये ऑलमोस्ट एक रेंज में था जो कि 50 रुपए से भी कम की रेंज थी। फिर 2014 में जो अच्छी रैली आपने हर हर स्मॉल कैप में देखी, इसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया। ये अच्छी रैली आपको जो 50 रुपए से कम का स्टॉक था वो आपको ऑलमोस्ट मल्टीबैगर रिटर्न दिया, 150-200 रुपए तक जाते हुए आपको देखा, 200 रुपए तक। उसके बाद फिर एक लंबा कंसोलिडेशन इसने साइडवेज फिर से किया बहुत लंबे समय तक। अब जो रिसेंट हमारी API की स्टोरी और जो COVID-19 की स्टोरी काफी अच्छी टेलवेंड साबित हुई इस कंपनी के लिए, और ये देखिए आपने सिग्निफिकेंट जंप, तो यहाँ से 200 रुपए से सीधे ये आपको 1000 रुपए तक भी जाते हुए दिखी है कंपनी। तो ऑलमोस्ट 5 times जो है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में जाते हुए दिखी है आपको। तो ये बहुत फास्ट, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आपको देखने के लिए मिला। अब देखिए एक काफी समय से, पिछले 3-4 महीने से ऑलमोस्ट ये साइडवेज ट्रेंड में चल रही है कंपनी यहाँ पर। बट इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये स्टोरी खत्म हो गई, अभी ये स्टोरी स्टार्ट हुई है, यहाँ ये काफी ऊपर जाने वाली है। तो ये मैक्सिमम मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है अप ट्रेंड इसकी, और एट द मैक्सिमम अगर आप करेक्शन की बात करेंगे तो ये 10 days का मूविंग एवरेज के नीचे ये कंपनी क्लोज होते हुए आपको नहीं दिखेगी। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये 10 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होते हुए आपको देखे, मंथली क्लोज देते हुए देखे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। तो मैक्सिमम, एट द मैक्सिमम ये 600 के लेवल पर जा सकती है, बस वहां से सपोर्ट लेना चालू कर देगी। मुझे तो लग रहा है कि यहीं से ही ये आपको एक स्ट्रांग मोमेंटम में जाते हुए ये काउंटर दिख सकता है आपको। बाकी आप RSI में देखिए, कोई डाउट नहीं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो उसने ब्रेकआउट लिया आप देखिए, ये जो मल्टी इयर्स का जो कंसोलिडेशन हुआ, साइडवेज कंसोलिडेशन, उसके बाद जो इसने ब्रेकआउट लिया तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया वॉल्यूम एडिशन हुआ, लार्ज कैंडल फॉर्मेशन हुई। तो ये सारे बहुत बुलिश सिग्नल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चार्ट बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है और ये स्टोरी अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है। तो आप देखिए यहाँ पर हम वीकली चार्ट पर आ गए, वीकली चार्ट में भी हमको यही दिख रहा है कि एक कंसोलिडेशन, बहुत लंबा कंसोलिडेशन आपको देखने मिला, ऑलमोस्ट जो है 5 साल का आपको कंसोलिडेशन देखने मिला, ये कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद आप देखिए वॉल्यूम एडिशन हुआ अच्छा, और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको इस काउंटर में देखने मिला। अब जो है आप देखिए कि रिसेंटली जो है अभी काफी समय तक साइडवेज रहा है ये काउंटर, उसके बाद अब देखिए मुझे लग रहा है कि काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं मैं कि यहां से एक रिवर्सल ले सकता है, और ये जब अब रिवर्सल लेगा तो एक लंबे समय के लिए ये आगे जाने को रेडी है, हो रहा है ये काउंटर। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं। तो ये आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जैसे हम बात कर रहे थे कि 600 रुपए तक आपको और ज्यादा से ज्यादा दिखता है, पर मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है यहीं से ये रिवर्सल लेना चालू कर देगा। आप देखिए 2 years का डेटा भी हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं फाइनली। देखिए सर ये है 2 years का डेटा। तो मैक्सिमम जो है, आप जैसे मैंने बात किया कि 600 रुपए, 590 रुपए, ये जो 2 दिन का मूविंग एवरेज है डेली चार्ट्स पे, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि इसके नीचे ये क्लोज होता हो आपको देखेगा। मैक्सिमम ये हो सकता है कि इस पर आकर ये सपोर्ट ले ले, उसकी भी मुझे गुंजाइश कम लग रही है क्योंकि मुझे आप दिख रहा है कि ये वापस से ये जो है इसकी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी जो है वो चालू होने वाली है। तो चार्ट स्ट्रांग है अनडाउटेबली, इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं पर भी कोई वीकनेस दिख नहीं रही है हमको, कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं बन रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे ऐड हो रहे हैं और जो अर्निंग का जो मोमेंटम है वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो सर इसमें कोई डाउट नहीं है, चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल पैरामीटर सारे स्ट्रांग है, बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट्स बहुत सारे स्ट्रांग है और पैरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, तो सब स्ट्रांग ही है। इस कंपनी में वीकनेस तो मुझे दिख नहीं रही है ज्यादा कुछ। तो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, अगर आपको भी अच्छा लगती है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अपने एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करिए, मेरे कहने पर मत करिए। और अगर आप पसंद आता तो आप जरूर करिएगा इन्वेस्ट इसमें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हम मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।